तो चलो यार, अभी हम छुप गए हैं ग्रैनी की कार के अंदर। यहाँ पर ग्रैनी तो क्या, ग्रैनी का आशिक ग्रैंडपा भी नहीं आ सकता यार। चलो हम पीछे जाके देखते हैं। इसे खोल। ओ ग्रैनी, तू यहाँ पर नहीं आ सकती, चली जा यार। तो चलो यार, हम वापस से आ गए हैं ग्रैनी 3 के साथ, और इस बार हम देखने वाले हैं टॉप 7 सीक्रेट ऑफ ग्रैनी 3। हाँ यार, बहुत मजा आएगा, वीडियो पूरी जरूर देखना, और यहाँ पर जो रेड बटन है ना सब्सक्राइब का, उसे भी दबा देना यार। हाँ यार, कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे सीक्रेट आपने और कहीं नहीं देखे होंगे यार। तो फिर चलो यार, देर किस बात की, देखते हैं यार ग्रैनी 3 के अंदर कौन कौन से सीक्रेट छुपे हुए हैं। तो चलो यार, शुरुआत करते हैं सीक्रेट नंबर 7 से। हाँ यार, जैसे ही हम बेसमेंट से ऊपर आते हैं भाई, तो यार ग्रैनी एंड ग्रैंडपा यहीं पर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे तो यार हमें छुपने के लिए वापस से नीचे जाना पड़ेगा यार। तो उसके लिए मेरे पास एक धांसू आइडिया है यार, हमें नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ यार, यहाँ पर सीक्रेटली हम हाइडन हो सकते हैं भाई। तो मैंने अभी नॉइस किया है, और देखो भाई, ग्रैनी ने मुझे देख लिया है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, दरवाज़ा बंद करूँगा और जादू। हाँ यार, यहाँ पर ग्रैनी नहीं आ सकती। आप कभी भी नॉर्मल मोड, हार्ड मोड या फिर एक्सट्रीम मोड के अंदर यहाँ पर छुप सकते हो यार। ग्रैनी ग्रैंडपा आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते यार। और अगर ग्रैनी ने आपको देख लिया है, फिर भी ग्रैनी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो ये मेरे ख्याल से सीक्रेटली हाइडन आपको कैसा लगा यार, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसे ही ग्रैनी चली जाएगी, हम दरवाज़ा बंद कर देंगे। सिंपल यार, ये था सीक्रेट नंबर 7। तो चलो यार, सीक्रेट नंबर 6 से कि हम ग्रैनी की कार के अंदर हाइडन हो सकते हैं। हाँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रैनी को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा यार। तो चलो देखते हैं ग्रैनी अभी कहाँ पर है। मुझे लगता है वो हाउस के अंदर होगी। तो ये रही ना ग्रैनी। ओए ग्रैनी, आजा 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 आजा। जैसे ही ग्रैनी ग्रैंडपा यहाँ पर आते हैं, तो हमें यहाँ पर नीचे बैठना है, खड़े होना है, नीचे बैठना है, और फिर हम आ जाते हैं ग्रैनी की कार के अंदर। ओ, और यहाँ पर ग्रैनी तो क्या, ग्रैनी का आशिक ग्रैंडपा भी यहाँ पर नहीं आ सकता यार। आप सेफली यहाँ पर छुप सकते हो, और जब भी ग्रैनी चली जाएंगी, हम यहाँ से निकल सकते हैं भाई। अब देखो यार, हम पीछे भी जा सकते हैं, ये खोल भी सकते हैं। और ग्रैनी, अबे वो तो थोड़े टाइम बाद चली जाएगी यार। अभी देखना, ये ग्रैनी चली जाएगी, बट अगर हम इसे सामने रहते हैं तो फिर ये ग्रैनी नहीं जाएगी, हमें थोड़ा उधर उधर होना पड़ेगा। ओके, अब ये ग्रैनी चली जाएगी, देखना। चलो यार, बहुत टाइम हो गया, अब शायद ग्रैनी चली गई होगी। वो देखो यार, ग्रैनी जा रही है भाई। मैंने बोला था ना यार, वो जैसे ही चली जाएंगी भाई, हम कार में से नीचे उतर जाएंगे यार। तो ये था सीक्रेट नंबर 6। अबे इसने सुन लिया यार, वो तक तेरी यार ग्रैनी, रुक जा यार। अभी चलो यार, देखते हैं सीक्रेट नंबर 5। हाँ यार, ये आप सबको शायद पता होगा कि हम कोई भी चीज अगर नहर के अंदर डालते हैं, तो वो चीज वापस से बाहर आ जाती है। हाँ भाई, आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ यार। अगर ये शॉटगन है, ठीक है, इसको मैं डालता हूँ नहर के अंदर, तो ये सीधा आ जाएगा बाहर। वो देखो यार, वो रही शॉटगन। अभी स्लिंग शॉट को अंदर फेंक के देखते हैं, और ये लो। ओके, और ये देखो यार, ये भी आ गया बाहर। ऐसे में आपकी कोई भी चीज अगर नहर में गलती से गिर जाती है, तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है भाई, वो वापस आ जाएगी यार। एक और बार आपको दिखाता हूँ। ओके, ग्रैनी नहीं है यहाँ पर। चलो इस स्लिंग शॉट को यहाँ पर फेंको, और ये देखो यार, ये वापस से आ गई यहाँ पर। अभी शॉट गन को डाल के देखता हूँ। ओह, ये देखो यार, और ये वापस आ गई। हाँ यार, यही था सीक्रेट नंबर 5। हाँ यार, ये आप सबको पता होगा यार, मुझे अच्छी तरह से पता है। अगर ये आपको पता था तो आप लोग कमेंट करके बताओ यार। तो चलो यार, अभी हम देखते हैं सीक्रेट नंबर 4। हाँ यार, हम कौवे को भगाने के लिए सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर फायरवुड को रखते हैं और माचिस से इसको जलाते हैं। जैसे ही हम इसको जलाएंगे, तो घोंसले के अंदर जो कौवा था, वो भाग गया होगा शायद। हाँ यार, मुझे पक्का पता है। तो अभी हम ऊपर जाएंगे, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि घोंसले में से कौवा भाग गया होगा, और वहाँ पर जो भी आइटम पड़ी है वो हम उठा सकते हैं भाई। देखो यहाँ पर धुआं निकल रहा है, तो यहाँ पर जो कौवा था वो भाग गया है, और यहाँ पर जो भी चीज़ पड़ी है वो हम सिंपली उठा सकते हैं। तो यार, यहाँ पर हमें माचिस एंड
फायरवुड की जरूरत ही नहीं है भाई, अगर हमारे पास शॉटगन होती है तो। हाँ यार, बस शॉटगन से हमारा काम हो जाएगा भाई। तो अभी देखना है यार, ये कौवा यहाँ पर है और मैं कौवे को बोलूँगा भाई ये यहाँ से चला जाए, बट अगर ये बात नहीं मानता है तो मुझे शॉटगन उठानी पड़ेगी यार। ओए कौवे, वाओ, एक और बार वाह। ओके, तो अभी हम शॉटगन चलाने वाले हैं। ओए कौवे, भाग यहाँ से। देखो यार, मैंने बोला था ना भाई, हमें फायरवुड एंड माचिस की जरूरत ही नहीं है भाई, अगर हमारे पास शॉटगन होती है तो फिर हम यहाँ पर जो आइटम है उसको सिंपली उठा सकते हैं यार। अभी चलो यार, देखते हैं सीक्रेट नंबर 3। हाँ यार, तो यहाँ पर कुछ ट्रेडी। ओके, तो जैसे ही ट्रेडी हम हाथ में पकड़ते हैं तो ग्रैनी एंड ग्रैंडपा सीधे मेरे पास आएंगे। हाँ यार, मुझे अच्छी तरह से पता है और मैं आपको बताऊंगा कि बाथरूम के अंदर हम हाइडन कैसे हो सकते हैं यार। ग्रैनी एंड ग्रैंडपा को पता भी नहीं चलेगा भाई, और आप लोगों को भी पता नहीं होगा कि यहाँ पर हम छुप सकते हैं। तो चलो यार, ग्रैनी यहाँ पर आ चुकी है। ओके, दरवाज़ा बंद करो, और ये बाथरूम वाला दरवाज़ा है इसको भी बंद करो यार, बंद करो यार इसको। तो यहाँ पर कोने में हम आराम से छुप सकते हैं यार। देखो, अगर ग्रैनी एंड ग्रैंडपा यहाँ पर आ भी जाते हैं तो हमको नहीं पकड़ेंगे भाई, और मारेंगे भी नहीं। तो ये था यार सीक्रेट नंबर 3। हाँ यार, देखो भाई, ग्रैंडपा भी आ गया, और हमें पता है यार, अगर हम बाथरूम के अंदर पकड़े गए तो फिर यार भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है यार। मैं बहुत बार यहाँ पर मारा गया हूँ, बट अगर ये वाला सीक्रेट मैं यूज़ करता हूँ तो फिर मैं बच सकता हूँ भाई। तो चलो, अभी ग्रैंडपा जैसे ही चला जाएगा हम सेफली यहाँ से निकल सकते हैं भाई। बट ये ग्रैंडपा यहाँ से जा क्यों नहीं रहा है यार। ओके, ये जाएगा यार, थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा भाई। ओके, मैं अभी नीचे बैठता हूँ, और ये क्या यार, शॉटगन। अबे इसको दूर रख यार, वरना मुझे लग जाएगी। ओ भाई, जान बची। अभी चलो यार, हम सेफली यहाँ से बाहर निकल सकते हैं यार। ग्रैनी एंड ग्रैंडपा ने मेरे को देखा ही नहीं। तो ये था सीक्रेट नंबर 3। अभी चलो यार, हम दिखाने वाले हैं सीक्रेट नंबर 2। हाँ यार, हम ग्रैनी एंड ग्रैंडपा को बेहोश कर सकते हैं 2.5 मिनट के लिए, वो भी स्लिंग शॉट की मदद से। हाँ भाई, शॉटगन नहीं। तो चलो यार, ग्रैंडपा यहाँ पर आ रहा है। ओके, इसको आने दो। वो 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 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ओके, इसको आने दो, और जैसे ही ये यहाँ पर आएगा तो अगर हम शरीर के भाग में इसको मारेंगे तो ये भाई सिर्फ बेहोश हो जाएगा यार, सिर्फ इसको चक्कर आएंगे। और इसको अगर मुझे 2.5 मिनट के लिए बेहोश करना है तो मुझे लगाना पड़ेगा हेड शॉट। हाँ यार, अगर मैं हेड के ऊपर लगाता हूँ निशाना तो ये 2.5 मिनट के लिए बेहोश हो सकता है भाई। हाँ यार, सेम हम ग्रैनी के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं भाई। और हाँ यार, ये ट्रिक हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं भाई, हाउस के अंदर भी और हाउस के बाहर भी। तो चलो यार, इसको शरीर के भाग में मारते हैं, और ये देखो यार, इसको चक्कर आ गए भाई। हाँ यार, सिर्फ चक्कर आए हैं। अभी इसको 2.5 मिनट के लिए बेहोश करना है तो सबको पता है यार, हमें करना कुछ नहीं है, बस हेड शॉट लगाना है भाई। तो चलो, आ जाओ इस तरफ, और ये मारा हेड शॉट। और ये देखो यार, 2.5 मिनट के लिए बेहोश हो गई हमारी ग्रैनी। तो भाई यही था यार, हम स्लिंग शॉट की मदद से ग्रैनी एंड ग्रैंडपा को 2.5 मिनट के लिए बेहोश कर सकते हैं, बट कौवे को हम नहीं मार सकते यार स्लिंग शॉट की मदद से। हाँ यार, वहाँ तो हमें शॉट गन लेके ही जानी पड़ेगी भाई, स्लिंग शॉट की मदद से अब कौवे को नहीं मार सकते। तो चलो यार, यही था सीक्रेट नंबर 2। तो चलो यार, अभी हम देखने वाले हैं सीक्रेट नंबर 1। हाँ यार, ये कोई ज़्यादा खास होने वाला नहीं है। सीक्रेट नंबर 1 तो मैंने ऐसे ही नाम दे दिया है भाई, नंबर पे मत जाना यार। आपको कौन सा सीक्रेट अच्छा लगता है वो कमेंट करके बताना। तो चलो यार, देखते हैं ग्रैनी कब आती है यहाँ पर। मेरे पास अभी ट्रेडी है, और हम यहाँ पर बच सकते हैं यार, अगर ग्रैनी यहाँ पर आ भी जाती है तो हम यहाँ से निकल सकते हैं विदाउट हाइडन। हाँ यार, हम हाइडन नहीं होने वाले हैं। आओ, ग्रैंडपा आ चुका है, कोई बात नहीं। आजा ग्रैंडपा, आजा 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 आजा। और जैसे ही ग्रैंडपा यहाँ पर आएगा हम यहाँ से नीचे निकल जाएंगे। ये था सीक्रेट नंबर 1, मुझे पता है। अबे यार, ये क्या बता दिया तूने। तो भाई यही था यार, हम वहाँ से भाग सकते हैं भाई। चलो, आपको एक और बार ट्राई करके दिखाते हैं। रुको यार, हम वापस से जाएंगे, इस बार ग्रैनी को आने दो। हाँ यार, हम विदाउट हाइडन यहाँ से भाग सकते हैं यार, अगर ग्रैंडपा एंड ग्रैनी आ गई तो। तो इस बार ग्रैनी आएगी मेरे ख्याल से। आ गई ग्रैनी, आजा 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 आजा। और जैसे ही ग्रैनी यहाँ पर आएगी तो हम इस वाले रास्ते से निकल जाएंगे। तो ये था सीक्रेट नंबर 1 भाई।
और हाँ यार, कोई भी सीक्रेट के नंबर पे मत जाना भाई, नंबर तो मैंने ऐसे ही दे दिए है भाई, फर्क नहीं पड़ता यार वो सीक्रेट 1 है या सीक्रेट 7। इनमें से कौन सा सीक्रेट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ यार, कौन सा सीक्रेट आपको पता नहीं था और आपको अच्छा लगा है वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना यार, क्योंकि हमारी और भी वीडियो हम बनाने वाले हैं सीक्रेट पे। अभी तो फिलहाल मुझे जितना पता था उतना सीक्रेट मैंने आपको बताया है, अगर फ्यूचर में कोई और सीक्रेट पता चलता है भाई तो इस पर भी हम पार्ट 2 वाला वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो यार बस यही था वीडियो। और ये क्या ग्रैंडपा यहाँ पर आ गए हैं, तो चलो यार क्यों ना लास्ट बार इसे परेशान किया जाए। तो चलो यार, मैंने आपको बहुत सारे सीक्रेट बताए यार जितना मुझे पता था, इनमें से कोई सीक्रेट ऐसा है जो आपको पता है और मुझे नहीं पता तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो यार। और अभी चलो यार, शाउट आउट का टाइम हो गया है, तो फिर आज का शाउट आउट आता है एल्बो लेने मजाओ, जागृति गेमर, एल्फी साहब पठान और लास्ट में है नीरज कुमार सिंह। और हाँ यार, आप लोग भी शाउट आउट चाहते हो ना भाई तो वीडियो को पूरी देखो यार, वीडियो को स्किप मत करो और हमारी दोनों चैनल डीके दोस्त एंड डीके दोस्त 2.0 अभी के अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दो यार। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा अलविदा एंड बाय।